Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology. दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं YouTube के थ्रू कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, यानी अगर आप अपना YouTube चैनल खोलना चाहते हैं तो क्या एज ए कैरियर आप उसको परस्यू कर सकते हैं कि आपका चैनल जो है वो बहुत नाम और फेम कमाए और आप काफी फेमस हो जाएं, आपको अच्छे खासे पैसे मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, तो ऐसा कौन सा योग आपके बर्थ चार्ट में बनता है जिसके कारण YouTube के थ्रू आप एक सेलिब्रिटी बनते हैं और आपको काफी अर्निंग होती है। और ये जो विचार है ये हमें दिए हैं मनीष शर्मा जी ने। मनीष शर्मा जी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार हमारे साथ शेयर किए और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप अपने विचार हमारे साथ शेयर करें। तो मनीष शर्मा जी थैंक यू वेरी मच। और हम चलते हैं मून चार्ट, चलित चार्ट, लगन चार्ट की ओर और इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि YouTube के थ्रू आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अगर हम YouTube की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुंडली के थर्ड हाउस और 11th हाउस को देखना होगा, साथ साथ में हमें 7th हाउस को भी देखना होगा। थर्ड हाउस यानी कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, 11th हाउस यानी मासेस यानी ढेर सारी पब्लिक कम्युनिटी गेन, 7th हाउस यानी अपोजिट वर्ल्ड यानी पब्लिक। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, 11th हाउस में है, 7th हाउस में है, तब यूट्यूब के थ्रू आपको काफी अर्निंग आ सकती है, यानी आपको काफी फॉलोवर्स मिल सकते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है, 11th हाउस का लॉर्ड भी अगर थर्ड हाउस में है, तब भी आपकी कुंडली में ऐसा योग बन जाता है, बिकॉज 11th हाउस जो है वो गेन का हाउस है, 7th हाउस यानी पब्लिक, थर्ड हाउस यानी कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में होता है और 11th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, तब भी आप YouTube के थ्रू एक सेलिब्रिटी बन सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 10th हाउस में होता है, 11th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड के साथ होता है या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है या 4th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है या 5th हाउस के लॉर्ड के साथ होता है, तब भी आप YouTube के थ्रू काफी फेमस हो सकते हैं, बिकॉज 4th हाउस यानी पब्लिक, 5th हाउस यानी क्रिएशन क्रिएटिविटी, 11th हाउस यानी गेन, 10th हाउस यानी आपका कैरियर, 7th हाउस यानी अपोजिट वर्ल्ड यानी पब्लिक, राइट। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, वीनस के साथ है, या थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में है, 5th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है, तो YouTube में आपको काफी नाम फेम मिलता है और आप एक सेलिब्रिटी बनते हैं, बिकॉज पंचम भाव जो है वो सेलिब्रेशन का है। जो लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनका पंचम भाव स्ट्रांग होना चाहिए। पंचमेश अगर अपने एग्जल्टेशन में है, 11th हाउस में है, फर्स्ट हाउस में है और अपने ऑन साइन में है, एग्जल्टेशन में है, फ्रेंडली साइन में है, तो आप एक बड़े सेलिब्रिटी बनते हैं। थर्ड हाउस में अगर सन की प्लेसमेंट होती है और सन अगर अपने ऑन साइन में है या एग्जल्टेशन में है, तब भी आप एक बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हैं। वीनस अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एग्जल्टेशन में है, तब भी आप एक बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हैं। थर्ड हाउस में अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तो YouTube के थ्रू आपको काफी नाम फेम मिलता है। 11th हाउस में भी अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तब भी आपको काफी नाम फेम मिलता है और 7th हाउस में भी अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तब भी आपको काफी नाम फेम मिलता है। और अगर 10th हाउस में भी अगर राहु की प्लेसमेंट होती है तब भी आपको काफी नाम फेम मिलता है। थर्ड हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु का एस्पेक्ट पड़ जाता है तब भी आपको काफी नाम फेम मिलता है। जैसे थर्ड हाउस का लॉर्ड मान लेते हैं कि यहां पर प्लेस्ड है और यहां से राहु इसको देख रहा है, तब भी आपको काफी नाम फेम मिलता है। केतु की प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस में होती है तो आप यूट्यूब में काफी अर्न तो करते हैं लेकिन आपका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता कि आप यूट्यूब के थ्रू ज्यादा अर्निंग करें, बिकॉज थर्ड हाउस यानी आपकी नॉलेज और पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस। सैटर्न की प्लेसमेंट अगर थर्ड हाउस में होती है तो आपको शुरुआती जीवन में थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ सकता है लेकिन बाद में यूट्यूब को एज ए कैरियर आप परस्यू कर सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो जाता है तो थोड़ा स्ट्रगल आपको करना पड़ सकता है। थर्ड हाउस में अगर कोई वक्री प्लेनेट प्लेस होता है तो भी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है लेकिन बाद में आपको सक्सेस मिलती है। तो यहां पर थर्ड हाउस, 11th हाउस, 7th हाउस के लॉर्ड्स की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तब आप यूट्यूब के थ्रू काफी अर्न कर सकते हैं। थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर 11th हाउस में है, 11th हाउस का लॉर्ड अगर थर्ड हाउस में है,
तो यूट्यूब के थ्रू आप बहुत पैसा अर्न करते हैं और इतना पैसा अर्न करते हैं कि जिससे सारी आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया एक ऐसे योग के बारे में जिसके होने पर आप यूट्यूब के थ्रू काफी अर्न करते हैं और आप एक बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं किसी ऐसे योग के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।